हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके, इन सभी की वीडियो भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है 2018 के भी आएंगे। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र को बिजली देने के मामले में अप्रैल के महीने में कौन सा राज्य पूरे वेस्टर्न रीजन में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो वेस्टर्न रीजन में शीर्ष पर रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो कि CEA है, उसके द्वारा अप्रैल 2019 में क्या हुआ था, 6,139 मिलियन यूनिट की जो आपूर्ति करने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। ठीक है, पिछले साल जो था उससे 11.1% ज़्यादा रिकॉर्ड जो है इस बार मध्य प्रदेश ने बनाया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो प्रधानमंत्री, ये हाँ मात्र गलत लिखा हुआ है, ये वाला आएगा, मातृ वंदना योजना में एमपी का देश में कौन सा स्थान रहा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्वितीय। ठीक है, प्रथम बच्चे के जो प्रसव होता है उसके पहले और बाद महिलाओं को जो मजदूरी की जो हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। चलिए अगर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो अभी हाल ही में कब से स्कूल चले हम अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में स्कूल चले हम अभियान शुरू हुआ है, तो वो कब से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जून से, 24 जून से अभी हाल ही में स्कूल चले हम अभियान शुरू हुआ है। अगर आगे क्वेश्चन नंबर फोर देखा जाए, तो देखिए, एमपी सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के मुद्दे पर कार्यवाही के लिए कितने सदस्यीय समिति गठित की गई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10। ठीक है, 10 समितियां जो है गठित की गई, और इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि सहकारी संस्थाओं में जो जितने भी कर्मियों को पृथक केडर गठित कर बेहतर सुविधाएं देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। चलिए अगर नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर फाइव की, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किस वीरांगना का 455वां, मतलब 455 बलिदान दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीरांगना रानी दुर्गावती का। ठीक है, जिन्हें कि गोंडवाना साम्राज्ञी वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो जन्म दिवस है वो है 5 अक्टूबर 1525, मतलब 1524। ठीक है, 1524 ये इनका बर्थ डेट है। चलिए अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमपी के किस शहर में 4 मिनी स्टेडियम बनाने का निर्णय हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जबलपुर में। जबलपुर में जो है 4 मिनी स्टेडियम बनाने का निर्णय हो चुका है, और इसमें एक स्टेडियम की जो लागत आएगी वो होगी 4 करोड़ रुपये। ठीक है, तो 4 स्टेडियम की जो लागत होगी वो होगी 16 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 16 करोड़ रुपए जो है इनकी लागत होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमपी में किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंबिका बैरी। ठीक है, 8 मार्च सन 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें सम्मानित किया है, और उस दिन महिला दिवस था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, एमपी का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुधीर रंजन मोहंती को। ठीक है, एमपी के जो नए मुख्य सचिव है सुधीर रंजन मोहंती। आगे अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर नाइन की, मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में कितने नवीन महाविद्यालय छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो नाइन है इसका करेक्ट आंसर होगा 15। ठीक है, 15 जो है नवीन महाविद्यालय छात्रावास खुलेंगे, और इनकी जो लागत होगी वो होगी 108 करोड़ रुपए। ठीक है, 108 करोड़ रुपीज़ होगी।
चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, एमपी के किस शहर में आदिवासी संस्कृति केंद्र एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भोपाल में। ठीक है, 19 जून सन 2019 को इसकी जो है घोषणा हुई है, और इसकी जो लागत है, अगर उसकी बात करें तो इसकी जो लागत है वो है 18.50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 18.50 करोड़ रुपए की लागत है, और भवन का जो निर्माण है वो 24 महीने में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो हाल ही में आओ बाग बनाएं मिलकर बाग बचाएं कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर में एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंतर्गत आओ बाग बनाएं और मिलकर बाग बचाएं इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और ये जो कार्यक्रम था ये 15 जून सन 2019 को किया गया। सामान्य प्रशासन मंत्री ने एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, अफगानी मुल्क की मानी जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ एमपी के किस जिले में पाए जाते हैं? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नूरजहां, जिसे कि आमों की मलिका भी कहा जाता है, ये आम की एक प्रजाति है जिसका कि औसत वजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 2.75 kg, 2.75 किलोग्राम एक औसत वजन देखा गया है, और अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा गांव में। ठीक है, कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में, अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में इसके गिने चुने पेड़ आपको मिल जाएंगे। चलिए अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो हाल ही में मुमताज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुरहानपुर में किया गया। ठीक है, बुरहानपुर में हाल ही में मुमताज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और कब किया गया? 16-17 जून 2019 को किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो जोड़े हैं इनका अलग अलग विवाह हुआ, और पूर्व मिस इंडिया जो थी रुचि तिवारी, उन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एमपी में पग मार्क कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। ठीक है, वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में जो है पगमार्ग कैफे का शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने किस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रातापानी अभयारण्य। ठीक है, जिसे कि अब क्या टाइगर रिजर्व बनाने के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर अभयारण्य की बात हो रही है, तो मैं आपको सबसे बड़ा अभयारण्य की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा अभयारण्य जो कौन सा है, नौरादेही। ठीक है, और अगर सबसे छोटे अभयारण्य की अगर बात करें तो वो है राला मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर दो मैंने अभयारण्य आपको बताए, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एमपी सरकार ने राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए, हिम्मत कोठारी जी को जो है राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और मैं आपको बता दूं कि ये पांचवा राज्य वित्त आयोग वर्ष 2020 से जो है पंचवर्षीय अवधि के लिए इन्हें बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17, एमपी सरकार ने एमपी में सिख संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाने का निर्णय लिया है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका करेक्ट आंसर होगा बुरहानपुर में। ठीक है, बुरहानपुर में सिख संग्रहालय बनाने का निर्माण किया गया है, और क्यों किया गया है, क्योंकि सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु है, गुरु गोविंद सिंह, वो जो है अपनी यात्रा के दौरान सन 1708 ईस्वी में जो है यहाँ रुके थे, इसलिए यहाँ पर जो है एमपी में सिख संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 18 की, तो अभी हाल ही में एमपी सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त कर दिया गया है? ठीक है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ठीक है, DAVV जिसे हम जानते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे जिनका नाम था डॉक्टर नरेंद्र धाकड़। ठीक है, नरेंद्र धाकड़ जी को जो है
अब कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया गया है शासन द्वारा। चलिए अगर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, तो खुशहाली सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा भोपाल में। ठीक है, भोपाल में जो है खुशहाली सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, और कब किया गया पूछे तो आपको बताना है फरवरी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। हाल ही में एमपी सरकार द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल का गठन किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए जो है निर्णायक मंडल का गठन किया गया है एमपी सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जगदीश उपासने को। जगदीश उपासने जी को जो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपको अगर डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।